बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, फिफ्थ वाला। देखिए बच्चों, ए अगर मेरे पे 50 है, बी अगर मेरे पे 60 है, तो मेरे पे ये एंगल सी गिवन नहीं था, मैंने अभी लिख ही लिया हूँ मेरे को। देखो तो ध्यान से देखो, मैं पहले ये बी वाला एंगल निकालता हूँ। तो देखो इन दोनों को ऐड, इन तीनों को ऐड करूँगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चों ये मैंने अभी लिख दिया है ना, मुझे लिखना नहीं चाहिए था, अब लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 60 वो सॉरी ए है मेरे पे 50, बी है मेरे पे 60, और सी मेरे को अभी पता नहीं था, तो अब हो जाएगा पता। तो एंगल सी हो जाएगा मेरे पे 180 माइनस कितना हो जाएगा, 110, तो ये हो जाएगा मेरे पे 70। तो देखो मैंने ये 70 यहाँ पे लिख लिया। अब बोल रहा है बच्चों कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर बच्चों, असेंडिंग मतलब क्या होता है पता है आपको? छोटे से बड़ा, सबसे छोटा छोटे से बड़ा। असेंडिंग मतलब मेरा एक दोस्त है अजय, अजय मेरे को याद रहता है ना फिर ऐसे, क्योंकि मैं भूल जाता था असेंडिंग डिसेंडिंग होता है बच्चों, मेरे को भूल जाता हूँ मैं। मेरा दोस्त है अजय, वो छोटा था, मतलब छोटा ही है वो, उसकी हाइट छोटी है, पर वो बढ़ता रहा बढ़ता रहा, तो छोटे से बड़ा, इसलिए मुझे याद रहा। अब ध्यान से देखो, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको, ठीक है? साइड्स लगानी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो पहले 50, पहले मैं एंगल्स लिखता हूँ, 50 फिर 60 फिर 70, ठीक है? तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे करके लिखना, असेंडिंग में लगाना है साइड्स। तो देखो पहली साइड हो गई बी सी, सबसे छोटा एंगल क्या है 50, इसके तीर मारो तो ये बी सी हो जाएगा, ठीक है? फिर देखो सबसे छोटा है, फिर 60 है छोटा, फिर 60 पे तीर मारा ए सी, फिर सबसे बड़ा है 7, फिर इस पर मारो ए बी। तो ऐसे कर कर ये लिखना, मैं तो ऐसे ही करता था। तो करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन।